In this session, we will know about the dangling else problem. Okay, means dangling else problem होती क्या है और अगर ये problem है तो इसका solution क्या है. Okay, तो कहता है जो dangling else problem है वो related है context free grammar for conditional statement के. Okay, means the grammar for conditional statement is, ये हम जानते हैं कि conditional statements के लिए if then else statement के लिए जो context free grammar होती है वो ये है. एक if then else का जो statement है, statement क्या है, S means statement, if expression then statement. Okay, और अगर else भी हुआ उसमें स्टेटमेंट में तो इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट. तो इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को डैंगलिंग एल्स ग्रामर भी बोला जाता है. ओके, अब जो प्रॉब्लम है डैंगलिंग एल्स की वो इसी ग्रामर से रिलेटेड है. मींस कहता है कि अगर इस ग्रामर का यूज करके हम क्या करें, इस स्ट्रिंग को पार्स करें. मैं इसको स्ट्रिंग बोल रहा हूं लेकिन ये एक तरह का कंपाउंड स्टेटमेंट है. किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम का ये कंपाउंड स्टेटमेंट है लेकिन फिलहाल हम इसको स्ट्रिंग की तरह यूज कर रहे हैं. तो कहता है इस स्ट्रिंग के लिए आप अगर इस ग्रामर का यूज करके पार्स ट्री बनाए तो कहता है एक से ज्यादा मींस दो पार्स ट्री बन रहे हैं. हैज टू पार्स ट्रीज, दैट मींस डैंगलिंग एल्स ग्रामर इज एम्बिगुअस. मींस ये ग्रामर एम्बिगुअस है. अब आप सोचिए कि आपने प्रोग्राम लिखा हो जिसमें इस तरह से कुछ प्रोग्राम में लिखा हो और उस प्रोग्राम के मींस दो पार्स ट्री बन रहे हैं, इसका मतलब दो मीनिंग निकल रहे हैं. उसका एग्जीक्यूशन ऐसे भी हो सकता है और उसका एग्जीक्यूशन ऐसे भी हो सकता है. ओके, तो अच्छा ये देख लेते हैं कि पार्स ट्री, जैसे हमने कहा आई ई वन टी आई ई टू टी एस वन ई एस टू, तो यहां से देखिए क्या यूज किया, एस आई ई टी एस और ये ई क्या है, एक एक्सप्रेशन है. तो एक्सप्रेशन ये ऐसे करके बना दिया गया है कि जो भी एक्सप्रेशन हुआ होगा उसका पार्स ट्री यहां बना हुआ है. ये ट्रायंगल और ईवन लिखेगा ये मतलब है. पूरा कंप्लीट नहीं किया गया क्योंकि ईवन के बारे में और एक्सपेंशन नहीं गिवन है कि वो क्या एक्सप्रेशन है, वो नहीं गिवन है. तो उसको सिर्फ सिंबॉलिक यहां दिखाया गया है. सिमिलरली यहां ई टू को, सिमिलरली स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट होगी तो वो और पार्स होगी. ओके, लेकिन अभी सिंबॉलिक तौर पर यह दिखाया गया. तो एक आई ई वन टी आई ई टू टी, देखिए एस वन ई एस टू वही है वो स्ट्रिंग. तो कहता इस तरह से भी पार्स कर सकते हैं और ये भी पार्स हो सकता है. तो अब प्रॉब्लम ये आ गई कि इनमें से कौन सा करेक्ट है और इनके मीनिंग क्या है. तो इनके मीनिंग के लिए तो आप ऐसे देख लीजिए कि अगर इस स्टेटमेंट मीन्स इस उस कंपाउंड स्टेटमेंट या स्ट्रिंग को जब इस तरह से पार्सिंग हो रही है तो उसका मतलब क्या है, इफ इवन, जो ये पहले वाला ये है इवन, तो इफ इवन और इस पूरे के अंदर क्या है, इफ ई टू देन एस वन एल्स एस टू, मींस दिस एल्स इज एसोसिएटेड विद दिस इफ. ओके, और ये पूरी चीज इस इफ के अंदर है और मींस ये पार्स ट्री और ये इस तरह से लिखा हुआ, दोनों एक ही चीज. ओके, सिमिलरली अगर मैं इस पार्स ट्री को बताऊं कि ये क्या कर रहा है तो ये क्या कह रहा है, इफ इवन देन इफ ई टू, ओके देन एस वन, मींस इफ इस इवन के अंदर ये इफ स्टेटमेंट है और ये एल्स इज एसोसिएटेड विद द आउटर इफ, इसका मतलब ये है. ओके, तो इस तरीके से ऐसा बोला जाता है कि ये प्रेफर्ड मींस स्ट्रक्चर है,
आप कह लीजिए ये करेक्ट है, इसका यूज लिया जाता है, इसका यूज किया जाता है और इसको यूज नहीं किया जाता है। ओके, तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर इसी को क्यों प्रेफर किया जाता है, यही स्ट्रक्चर क्यों प्रेफर किया जाता है। ओके, मीन्स आपको एम्बिगिटी रिजॉल्व करनी है तो आपको कुछ ऐसे रूल लेके आना पड़ेगा कि वो इसको डिस्कार्ड करे और इसको एक्सेप्ट करे। ओके, और इससे पहले कि आखिर वो कौन सा रूल है, किस वजह से इसको प्रेफर किया जाता है, उससे पहले इसको एक और एग्जांपल के थ्रू बेटर तरीके से समझ लेते हैं। ओके, एंड देन आई विल टेल यू व्हाई दिस एल्स इज एसोसिएटेड विद दिस इफ, नॉट विद दिस इफ। ओके, तो डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम को एक प्रोग्रामिंग मींस एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, प्रोग्राम के पार्ट के तौर पे समझते हैं। मैंने कहा कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं ये करीब करीब सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होती हैं। ओके, तो सपोज करो कि ये एक कोड लिखा हुआ है, इफ ए इफ बी एस वन और एल्स एस टू, इस तरह से कोई कोड लिखा है। अब अगर इस तरह से कोई कोड लिखा हुआ है तो फिर कंफ्यूजन तो होना है, क्यों? क्योंकि इस कोड का क्या मतलब है, इसको इस तरह पे ट्रीट किया जाए कि ये इफ एकदम बाहर है और ये चीजें इफ बी एस वन एल्स एस टू, मींस ये एल्स एसोसिएटेड है ये बी वाले इफ के साथ, इसको इस तरह से ट्रीट किया जाए या इसको इस तरह पे ट्रीट किया जाए कि इफ के अंदर ये इफ मींस इस ब्लॉक के अंदर डाल दिया गया, मीन्स ये एल्स एसोसिएटेड है ए वाले इफ के साथ। अब इसको इस तरह से समझा जाए इस कोड को या इस तरह से समझा जाए, तो कॉन्सेप्ट मीन्स यही डैंगलिंग एल्स की प्रॉब्लम है। ओके, कि इस एम्बिगिटी की वजह से इसको दो तरीके से पार्स किया गया, अब इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो कौन सा करेक्ट है, तो इसके बारे में बोला गया कि जैसे कि प्रीवियस उसमें आप मैंने बोला कि इसको प्रेफर किया जाए, पहले वाले पास ट्री को प्रेफर किया जाएगा। क्यों प्रेफर किया जाएगा, कहता है रूल है क्या, इसको हम रूल बोल देते हैं। ओके, और रूल क्या है, मैच ईच एल्स विद द क्लोजेस्ट प्रीवियस अनमैच्ड देन। इट मींस सपोज करो कि ये एल्स है। ओके, तो कहता है Each else with the closest previous unmatched then, तो और then को मैंने साथ में क्या बोला है, if भी बोला, क्योंकि मुझे इस example में भी आपको दिखाना था। Okay, तो कहता else को previous unmatched, if भी, क्या ये unmatched है, yes, इस if के साथ अभी तक कोई else नहीं है और इसके अलावा, तो कहता ये else इसके साथ क्या किया जाएगा, match कराया जाएगा। ओके, एंड देयरफॉर दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज नॉट करेक्ट। ओके, इसको इस तरह पे ट्रीट किया जाएगा, उस तरह पे ट्रीट नहीं किया जाएगा। और इस रूल को मींस इस रूल की हेल्प की वजह से ऐसा हुआ। ओके, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन तो एक तरह से बोल दिया गया आपको, ये जो रूल बताया गया है इस रूल को अप्लाई करवाना है, तो हाउ टू इनफोर्स दिस रूल सो दैट डैंगलिंग एल्स ग्रामर बिकम्स अनएम्बिगुअस। आप जैसे ही ये रूल अप्लाई करोगे तो दो पार्स ट्री नहीं सिंगल पार्स ट्री रह जाएगा। ओके, तो अब ये देखते हैं कि मींस कैसे इनको किस किस तरीके से ये रूल अप्लाई किया जा सकता है। ओके, तो रूल को मींस रूल को इन्फोर्स कराने का तरीका है या तो इंप्लीमेंटेशन लेवल पर, मींस जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो कोड को तो उसी समय उस रूल को आप मींस ध्यान दो। ओके, जैसे कोड लिख रहे हैं आप, मैनुअली कोड लिख रहा है एक प्रोग्रामर, तो वो उसी समय ब्रेसेस का इस्तेमाल करे कि कहां पर किसका कंट्रोल कैसे है। ओके, दूसरा तरीका है बाय टेलिंग द पार्सर
व्हाट इज द राइट वे टू सॉल्व द एम्बिगुइटी. मींस जैसे टॉप डाउन पार्सर है, बॉटम अप पार्सर है, तो जैसे सपोज करो हम टॉप डाउन का प्रिडिक्टिव पार्सर कंसीडर करते हैं. ओके, तो होगा क्या कि मींस जब इसकी पार्सिंग टेबल बनाई जाएगी, आगे आपको सिखाया जाएगा, तो पार्सिंग टेबल जब बनाई जाएगी तो एक टेबल में, एक टेबल की एक मेमोरी सेल में एक से ज्यादा प्रोडक्शन पड़े हुए होंगे. तो उस प्रोडक्शन में अगर दो प्रोडक्शन जनरली पड़े होते हैं इस केस में, तो उसमें से कौन सा प्रोडक्शन पिक किया जाए कि ग्रामर में मींस जब स्टेटमेंट को रिजॉल्व किया जा रहा हो तो उसमें एम्बिगुइटी ना आए, किसको प्रायोरिटी दे रहा है. ओके, तो इसको हम, इसका एग्जांपल हम इसके रिलेटेड पढ़ेंगे टॉप डाउन पार्सर में, कि जब पार्सर कैसे रिजॉल्व करता है एम्बिगुइटी. इसी तरीके से बॉटम अप पार्सर में भी है शिफ्ट रिड्यूस का कॉन्सेप्ट, कि किस तरह उसको हैंडल करता है, ये भी हम तभी देखेंगे. तो वही यहां पर पॉइंट है, बाय टेलिंग द पार्सर व्हाट इज द राइट वे टू सॉल्व द एम्बिगुइटी, किस चीज को जैसे बॉटम अप पार्सर तो कैसे शिफ्ट रिड्यूस कराना है, और टॉप डाउन पार्सर है तो जो मेमोरी सेल में जो प्रोडक्शन पड़े हुए हैं उसमें से किसको प्रायोरिटी देनी है. ओके, तो ये हम आगे देखेंगे. तीसरा है एट द ग्रामर लेवल बाय यूजिंग अ पार्सिंग एक्सप्रेशन ग्रामर. एक ये तरीका है कि जो ग्रामर है इसकी, और वो ग्रामर ही चेंज कर दिया जाए. ओके, ग्रामर पर ही मींस इस जो ये पूरी ग्रामर ही है इफ देन एल्स की, यही इसको ही एक एक्सप्रेशन ग्रामर इस तरह जनरेट की जाए कि वो इशू नहीं है. ओके, तो ये चीजें हैं. अच्छा, एक तरीका और है, कहता है प्रोडक्शन पर ही चेंज कर दो. मींस जैसे पीछे आपने पढ़ा है जो डैंगलिंग एल्स की जो कंडीशनल ग्रामर थी, तो कहता है उस ग्रामर को ही चेंज कर दो. जनरली मींस थ्योरेटिकली ये बोला तो जाता है, लेकिन इसका और इससे ज्यादा कोई यूज नहीं है. तो अगर मैं कहूं कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए डैंगलिंग एल्स ग्रामर थी बिगिनिंग में जो एम्बिगुअस थी, उसका अनएम्बिगुअस इक्विवेलेंट वर्जन ये है. क्या है? स्टेटमेंट, मैच्ड स्टेटमेंट और अनमैच्ड स्टेटमेंट और अदर. ओके, और मैच्ड स्टेटमेंट डिराइव्स क्या, आईईटी इफ एक्सप्रेशन देन मैच्ड स्टेटमेंट एल्स मैच्ड स्टेटमेंट अदर. अदर का मतलब इफ देन एल्स के अलावा. ओके, अनमैच्ड स्टेटमेंट क्या डिराइव कर सकता है, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, इफ एक्सप्रेशन देन मैच्ड स्टेटमेंट एल्स अनमैच्ड स्टेटमेंट. यहां पर मैच्ड स्टेटमेंट के बारे में क्या बोलता है, मैच्ड स्टेटमेंट इज आइदर इफ देन एल्स स्टेटमेंट कंटेनिंग नो अनमैच्ड स्टेटमेंट्स और इट इज अदर काइंड ऑफ अनकंडीशनल स्टेटमेंट. ओके, तो इसका कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन हाँ एक सिग्निफिकेंस, मीन्स बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है मीन्स गेट के परस्पेक्टिव में. ओके, अदरवाइज तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो है ही, तो थ्योरेटिकली तो आपको इतना पता ही होना चाहिए कि हाँ डैंगलिंग एल्स की जो ग्रामर है उसके इक्विवेलेंट एक अनएम्बिगुअस ग्रामर एग्जिस्ट करती है. ओके, एंड दैट्स डन.